नमस्कार, मैं हूं आपके साथ युगल किशोर और आप देख रहे हैं के चैनल। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। छोटी काशी मंडी में श्रावण मास महोत्सव की धूम और एकादश रुद्र मंदिर में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अखंड जाप जारी। पर्यटन नगरी डलहौजी में मूसलाधार बारिश, प्रशासन ने किया अलर्ट जारी। बद्दी में पुलिस की उच्च स्तरीय मीटिंग आयोजित, स्टेट सीआईडी विभाग के ज्ञानेश्वर सिंह ने मीटिंग की अध्यक्षता। और बिलासपुर के बर्ठी में मुर्रा नस्ल का भैंसा बना आकर्षण का केंद्र, अपनी करोड़ों की कीमत को लेकर है चर्चा में। मंडी के एकादश रुद्र मंदिर में श्रावण मास महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और एकादश रुद्र मंदिर में ओम नमः शिवाय का अखंड जाप निरंतर जारी है। श्रावण मास महोत्सव छोटी काशी मंडी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और श्रद्धालु शिव के मंदिरों में भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि मनोवांछित फल की प्राप्ति की जा सके। और एकादश रुद्र मंदिर में श्रावण मास में अखंड जाप जारी है। मंदिर के पुजारी स्वामी सत्तर सुंदरम ने बताया कि मंदिर में ओम नमः शिवाय का अखंड जाप निरंतर जारी है और यह अखंड जाप भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है ताकि भोलेनाथ उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। एकादश रुद्र मंदिर में इस बार 37वां श्रावण मास महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत हर्षोल्लास से भगवान शंकर की महिमा का गुणानुवाद हो रहा है। 24 घंटे का मतलब है पूरा महीना रात दिन जो है जाप चलता है। एक चेन बनती है 24 लोगों की, जो जैसे 24 घंटे चलती है वैसे पूरा महीना वो उसी ढंग से रिपीट होती रहती है। जो आज सवेरे 8 बजे बैठेगा कल 8 बजे बैठेगा, पूरा महीना उस ढंग से बैठेंगे। तो एक एक घंटा जो सब लोगों की अपनी सीटिंग होती है, एक एक घंटा का समय देते हैं सब और इसमें अखंड जाप करते रहते हो। नमः शिवाय का, भगवान शंकर का जो कटाक्षर मंत्र जाप है, तो जाप की जो है सब शास्त्रों में कहा है कलयुग में जो है नाम की बहुत महिमा है, तो इसी महिमा के आधार के ऊपर जो है ये जाप चलता रहता है। वहीं श्रद्धालुओं का मानना है कि अखंड जाप करने से मानसिक शांति और आत्म संतुष्टि के साथ मन की इच्छाओं की पूर्ति होती है। शुद्र मंदिर में पिछले 37 सालों से ये 24 घंटे का जो खंड पाठ चलता है, इसमें मैंने भी विशेष तौर से यहाँ पर लिया। पिछली साल भी मैं इस पर बैठा था पाठ पर, तो मैंने किया। इससे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है और बड़ा सुख शांति मिलती है और फालतू बातों से आदमी का मन जो होता है वो हट जाता है और भगवान शंकर की तरफ ध्यान लगा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। जिला एसपी कार्यालय बद्दी के सभागार में प्रदेश में बढ़ रही सिंथेटिक ड्रग की रोकथाम के लिए जिला पुलिस कार्यालय बद्दी में पुलिस की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता आईजीपी स्टेट सीआईडी विभाग के ज्ञानेश्वर सिंह ने की, जहां प्रदेश के नारकोटिक्स विभाग के उच्च अधिकारियों के अलावा प्रदेश के फार्म कंपनियों के निर्माताओं ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा एसपी बद्दी विशेष सिंह चौहान, डीएसपी गौरव सिंह, एसपी नालागढ़ साहिल अरोड़ा व अन्य कई अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर एसपी सीआईडी विभाग अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में सिंथेटिक ड्रग्स के इस्तेमाल पर नकेल कसने को लेकर चर्चा की गई। मुख्य मुद्दा था कि जो हमारे जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनका जो मिसयूज हो रहा है, उसमें कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिनका मिसयूज हो रहा है और उनको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं बेसिकली जो इनको ड्रग्स को बना रहे हैं। देखिए, आज की मीटिंग का एक मुद्दा ये भी था कि जो नए नए केमिकल्स बेसिकली मिसयूज हो रहे हैं, क्योंकि हम एक केमिकल पे पुलिस कार्रवाई करने स्टार्ट करती है तो लोग उसको जो उसका सब्सटीट्यूट है उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं।
आज हमारी मीटिंग में इस बात के ऊपर चर्चा हुई कि ऐसे कौन कौन से नए नए केमिकल्स हैं जिनको अब नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और उस पर क्या लीगल कार्रवाई की जा सकती है। अगर कुछ केमिकल्स लीगल कार्रवाई के अंदर नहीं आते तो क्या हमें लॉ में अमेंड करने की ज़रूरत है। तो ये मीटिंग उसका एक पहला स्टेप था, जिसके बाद हम फर्दर स्टेप लेंगे कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स आ रहे हैं और उस पर क्या कार्रवाई की जाए। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल की रिपोर्ट। पर्यटन नगरी डलहौजी सहित पूरे चंबा जिला में बीती रात से आरंभ हुई मूसलाधार बारिश अभी भी जारी है। डलहौज में घने बादल छाए रहने के साथ धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग ने अभी भी डलहौजी में बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। सरकार व प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। बारिश से डलहौजी में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, जिससे ठंड भी महसूस की जा रही है। दूसरी तरफ डलहौजी में बारिश से खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं, जो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। SDM डलहौजी गौरव चौधरी ने बताया कि सरकार की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट आया है, जिस पर प्रशासन की तरफ से लोगों को एहतियात बरतने की सलाह देते हुए अपील की गई है कि लोग नदी नालों के करीब ना जाएं और ना ही अपने पशुओं को जाने दें, ताकि जानमाल का नुकसान ना हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी तक बारिश से एक दो छोटे नुकसान के अलावा किसी नुकसान की सूचना नहीं आई है। अगले जो 24 घंटे हैं, इसमें सरकार की तरफ से एक अलर्ट आया है, हम की तरफ से कि भारी बारिश होगी। तो हमने जितने भी हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं, तहसीलदार नायब तहसीलदार और पटवारी के माध्यम से लोगों से आग्रह किया है कि वो इस जो 24 घंटे हैं इसके दौरान नदी नालों के पास ना जाएँ, खुद भी ना जाएँ और पशुओं को भी ना जाने दें, ताकि कोई जानमाल का नुकसान ना हो। इसके अतिरिक्त आपके माध्यम से भी मैं जनता से, जो डलहौजी की जनता है, उससे अपील करना चाहूँगा कि वो कृपया नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि उनका जो पानी है कभी बह सकता है। पर्टिकुलरली जो डैम है हमारा चौड़ा डैम, उसके नीचे वाले क्षेत्र के जो रहने वाले लोग हैं उनसे अपील की जाती है कि वो ना जाए नदी में। फिलहाल जो इस बारिश में दो दिन में तो नहीं आई है, लेकिन पहले कुछ एक दो घरों को नुकसान पहुँचा है, जिनको उन्होंने मनसा राहत राशि दे दी गई। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। मंडी के मझवाड़ में 9 अगस्त से 12 अगस्त तक जोनल लेवल की स्कूल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए बॉय स्कूल के छात्र स्कूल परिसर में खेलों का अभ्यास कर रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों का खेल कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इसी के मद्देनजर स्कूलों में खेलों का अभ्यास तौर चल रहा है। इसी कड़ी में बॉय स्कूल मंडी के छात्र स्कूल परिसर में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और बैडमिंटन जैसे खेलों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि जोनल लेवल के टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। वहीं छात्रों का कहना है कि खेलें जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और पढ़ाई के साथ साथ खेलना बहुत ज़रूरी है। खेलों से उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है, इसीलिए वे टूर्नामेंट की तैयारियों को लेकर खेलों का अभ्यास कर रहे हैं, ताकि टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। मैं जो है वॉलीबॉल और बैडमिंटन का मैं पार्टिसिपेशन करने जा रहा हूँ। और ठीक है, तो टूर्नामेंट के लिए किस तरीके से तैयारियां की आप लोगों ने? टूर्नामेंट की हम छुट्टियों से पहले भी प्रैक्टिस की और छुट्टियों में भी है, और जितने भी दिन हम करी प्रैक्टिस की है वो बहुत अच्छी की है इस बार। और क्या लगता है आप टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्म करेंगे? टूर्नामेंट में हम अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पेपर भी लगे हैं, एग्जाम भी उसके साथ भी हमें प्रैक्टिस कर रहे हैं और एग्जाम भी दे रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से हमें, और खेलने की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हम बहुत अच्छे से तैयारियाँ कर रहे हैं। कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हमें यह सब कुछ अच्छे तरीके से करा रहे हैं। टीवी सर यहाँ पर हमें बहुत अच्छे तरीके से हमें क्या लगता है आपको टूर्नामेंट में कैसा रहेगा प्रदर्शन? हमारा टूर्नामेंट में बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन रहेगा, ऐसे हमारी फुल तैयारियां हैं, फुल तरीके से हम टूर्नामेंट के लिए हौसले से जा रहे हैं कि हम कर सकते हैं। के चैनल के लिए मंडी से युगल की रिपोर्ट। बुलेटिन में दोबारा से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए के चैनल। नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, डॉक्टर साहिल मृगपुरी PGI चंडीगढ़, MD डर्मेटोलॉजी, हेयर एंड स्किन क्लिनिक, गेट कंसल्टेशन फॉर ऑल स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स,
हर तरह की त्वचा की बीमारियों का इलाज, जैसे फुलवेरी, दाग, मौके छाइयां, सोरियासिस, पिंपल्स इत्यादि। इसके अलावा झड़ते बालों के तरीके जैसे पीआरपी और हेयर फॉल ट्रीटमेंट से अद्भुत परिणाम आते हैं। मंडी शहर में पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट, 4000 से भी ज्यादा बाल लगाए जा सकते हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपलब्ध है मंडी के नीलकंठ हॉस्पिटल में। डॉक्टर हेमंत मेडिकल स्पेशलिस्ट फॉर ऑल मेडिकल प्रॉब्लम लाइक शुगर, बीपी, दमा व अदरक इत्यादि। कान, नाक व गले के लिए उपलब्ध है डॉक्टर डीपी हांडा, नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें। चंबा में दो आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें पहली घटना में वीरवार रात के लगभग 1 बजे गांधी गेट के पास कूड़े के डंपर में आग लगने से उसके साथ खड़ी मारुति आल्टो पूरी तरह से जल गई। वहीं दोपहर के लगभग 3:15 बजे चंबा चौगान में मिंजर के लिए लगे पंडाल में गैस रिसाव के कारण आग लग गई, जिससे 3 लोग मामूली तौर पर जल गए। बीती रात चंबा के गांधी गेट के पास पड़े हुए कूड़े के डंपर में आग लगने से उसके साथ खड़ी गाड़ी में आग लग गई, जिससे गाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए अग्निशमन केंद्र चंबा के उप अधिकारी कुवत सिंह ने बताया कि घटना की सूचना उन्हें रात को करीब 1 बजे पहुंची, जिसके बाद उनकी टीम मौके पर पहुंची और उनके द्वारा समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि यदि आग गाड़ी की पेट्रोल की टंकी तक पहुंच जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने बताया कि आग लगने से डंपर के साथ खड़ी गाड़ी HP 48A 3225 को लगभग 50,000 का नुकसान हुआ है। रात 1:15 पर हैप्पी नामक व्यक्ति ने सूचना दी कि गांधी गेट के साथ जो कूड़ादान का डंपर रखा हुआ है उसमें आग लगी थी। ड्यूटी क्रू जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि आग जो है एक HP 48A 3235 कमला देवी वाइफ ऑफ श्री रिकेश कुमार मोहल्ला चौगान जो गाड़ी अल्टो थी उसमें लगी हुई थी। तो ड्यूटी क्रू ने तुरंत एक और शॉर्ट ब्रांच लगाकर आग को बुझाया। वहीं दोपहर के लगभग 3:15 बजे चंबा में आगजमी का दूसरा हादसा शेष आया, जिसमें चौगान नंबर 2 में मिंजर मेले के लिए लगे स्टॉल में गैस लीक होने के कारण आग लग गई। मिंजर मेले के कारण चौगान में भारी रश था। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना साथ लगते अग्निशमन कार्यालय में दी, जिसके बाद आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए अग्निशमन केंद्र चंबा के उप अधिकारी कुवत सिंह ने बताया कि दिन का समय होने के कारण तुरंत आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। ये सूचना जो है चंबा केंद्र में आके लोगों ने दी और मौका पर पहुंचा तो आग जो है एक सिलेंडर में लगी हुई थी और साथ जो सामान रखा हुआ था उसमें लगी थी। तो ड्यूटी क्रू ने CO2 चलाकर और वाटर बोजर से हौज भी लगाकर जो है आग पर काबू पाया है। यहाँ जो भी फायर इक्विपमेंट या फायर एक्सटिंग्विशर जो रखे थे वो बिल्कुल खाली दिखे, लेकिन अगर ये हादसा समय रहते जो है ये कंट्रोल कर लिया है, अगर ऐसा नहीं होता तो ये पूरा पंडाल जो है जलकर राख हो जाता है। पर यहाँ मिंजर का रस पड़ा हुआ है
भगदड़ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, भगदड़ भी मच चुकी थी, लेकिन समय रहते जो है आग पर काबू पा लिया गया है। अब आग का जो नुकसान हुआ उसका जायजा लिया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के बर्ठी नाम की जगह से मुर्रा नस्ल का भैंसा सुर्खियों में है, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए रखी गई है, जो अपनी कीमत से सुर्खियों में आया है। मुर्रा नस्ल के भैंसे युवराज के बाद अब इन दिनों राजा अपनी कीमत के लिए चर्चा में है। ये राजा भैंसा 2.5 साल का है और इसका वजन 10 क्विंटल से अधिक है। इस भैंसे की लंबाई 13 फीट है और ये भैंसा देश का तीसरा भैंसा है जिसकी कीमत करोड़ों में है। इसकी खासियत यह है कि जो भी भैंस इस भैंसे से क्रॉस होगी वो 1.5 गुना ज़्यादा दूध देगी। इस भैंसे की रोजाना डाइट 6 किलो सेब, 2.5 किलो चने, 2.5 किलो सोयाबीन, 0.5 किलो देसी घी है। इस भैंसे को खरीदने आए बब्बा ठाकुर ने कहा कि वे इस भैंसे को खरीदने आए हैं और वे इस भैंसे की कीमत 1.37 करोड़ लगा रहे हैं, लेकिन भैंसे के मालिक ने इस भैंसे की कीमत 5 करोड़ रखी है। जो भैंसा हिमाचली रांझा की बोली आज 5 अगस्त 2016 को 5 करोड़ की थी, उनके जो मालिक उनके 5 करोड़ की वाई थी, मैंने 1.37 करोड़ की बोली लगा दी जो कि उन्हें मंजूर नहीं है। इस भैंसे के मालिक नरेश सोनी का कहना है कि इस भैंसे की कीमत 5 करोड़ रखी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी खरीदार इस भैंसे की सही कीमत नहीं लगा पाया है। इस भैंसे की बोली 5 करोड़ लगी थी। इस बोली में सदर के विधायक बम्बर ठाकर जी आए हुए थे। इस भैंसे की बोली 1.37 करोड़ रुपए तक लगी। हमने इस बोली को सेट नहीं किया है, हमने 5 करोड़ तक नहीं बिकना है। के चैनल के लिए बिलासपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। जिला एसपी कार्यालय बद्दी के सभागार में प्रदेश में बढ़ रही सिंथेटिक ड्रग की रोकथाम के लिए जिला पुलिस कार्यालय बद्दी में पुलिस की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता आईजीपी स्टेट सीआईडी विभाग के ज्ञानेश्वर सिंह ने की, जहां प्रदेश के नारकोटिक्स विभाग के उच्च अधिकारियों के अलावा प्रदेश के फार्म कंपनियों के निर्माताओं ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा एसपी बद्दी विशेष सिंह चौहान, डीएसपी गौरव सिंह, एसपी नालागढ़ साहिल अरोड़ा व अन्य कई अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर एसपी सीआईडी विभाग अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में सिंथेटिक ड्रग्स के इस्तेमाल पर नकेल कसने को लेकर चर्चा की गई। मुख्य मुद्दा था कि जो हमारे जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनका जो मिसयूज हो रहा है, उसमें कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिनका मिसयूज हो रहा है और उनको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं बेसिकली जो इनको ड्रग्स को बना रहे हैं। देखिए, आज की मीटिंग का एक मुद्दा ये भी था कि जो नए नए केमिकल्स बेसिकली मिसयूज हो रहे हैं, क्योंकि हम एक केमिकल पे पुलिस कार्रवाई करने स्टार्ट करती है तो लोग उसको जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। आज हमारी मीटिंग में इस बात के ऊपर चर्चा हुई कि ऐसे कौन कौन से नए नए केमिकल्स हैं जिनको अब नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और उस पर क्या लीगल कार्रवाई की जा सकती है। अगर कुछ केमिकल्स लीगल कार्रवाई के अंदर नहीं आते तो क्या हमें लॉ में अमेंड करने की ज़रूरत है, तो ये मीटिंग उसका एक पहला स्टेप था, जिसके बाद हम फर्दर स्टेप लेंगे कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स आ रहे हैं और उस पर क्या कार्रवाई की जाए। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए के चैनल के साथ। नमस्कार। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें।